राम राम भाइयों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। अगर आप इंडियन आर्मी में जाके देश की सेवा करने में इच्छुक हो तो आज आपके लिए सुनहरा मौका आ चुका है। दोस्तों, मुजफ्फरनगर में आपके लिए सेना की खुली भर्ती रैली का ऐलान हो चुका है। कब से आपकी भर्ती रैली होने वाली है, कब तक आपकी भर्ती रैली चलने वाली है, और आपको बता दें कि इसमें क्या आपका आगे का सिलेक्शन प्रोसेस है वो चलने वाला है, कहाँ पर आपकी भर्ती होगी, कौन कौन से जिलों के साथ में आपकी भर्ती यहाँ पर होने वाली है। अगर आप ये पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा अंत देखें दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। मुजफ्फरनगर में सेना की खुली भर्ती रैली निकली जा चुकी है। 12 मई से आपके यहाँ पे दौड़ शुरू होने वाली है। पूरी जानकारी आपको पढ़ के यहाँ पे बता दें दोस्तों। जनपद में चौथी बार सेना भर्ती रैली होने जा रही है। भर्ती आपकी दोस्तों 12 मई से लेकर 10 जून तक आपकी भर्ती रैली होने वाली है। दोस्तों 12 मई से लेकर 10 जून तक आपकी भर्ती रैली होने वाली है। इस भर्ती में आपको बता दें कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर भर्ती समेत 13 जिलों की आपकी भर्ती यहाँ पे होने जा रही है। दोस्तों युवक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। सभी जिलों की आपको बता दूं कि तिथि आपकी नहीं है, ये कि आपके किस जिले की कब भर्ती होने वाली है। और आपको ये भी बता दें कि आपकी जो भर्ती है ये 12 मई से लेकर 10 जून तक आपकी भर्ती रैली होगी। इसमें दोस्तों आपके जिलों की अगर हम बात करें, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर और बिजनौर और बागपत, ठीक है, और आगे गाजियाबाद, मुरादाबाद, बुलंदशहर और अमरोहा, हापुड़, रामपुर और शामली जनपद के युवा इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों आपसे भी आप अपना जिला यहाँ पर चेक कर सकते हो। और आपकी भर्ती है वो 12 मई से लेकर 10 जून तक आपकी भर्ती रैली होने वाली है, ठीक है। और आगे चौथी बार सेना की भर्ती दोस्तों केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जी बटालियन बलियान ने संसद बनाने के बाद जिले में आर्मी भर्ती का प्रयास किया। दोस्तों पहली भर्ती आपकी 2015 में हुई थी, दूसरी भर्ती आपकी 2017 में, तीसरी आपकी 2018 में, जो चौथी भर्ती आपकी होने जा रही 2021 मई में आपकी भर्ती के लिए होने जा रही। तीनों भर्ती स्थल में स्पोर्ट्स स्टेडियम नूम माइस मैदान में हुई थी। दोस्तों जब आपकी तीनों की तीनों स्पोर्ट्स भर्ती आपकी यानी कि जो आपकी भर्ती है रैली हुई थी स्पोर्ट्स स्टेडियम नुमनाइस मैदान में हुई थी। स्टेडियम के दौरान नुमनाइस मैदान में शारीरिक क्षमता परीक्षण हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि आपकी राजकीय इंटर कॉलेज में युवाओं के लिए विश्राम की व्यवस्था की गई थी। इस बार यही प्रवृत्ति प्रस्तावित होगी। दोस्तों आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर में आपकी सेना की भर्ती का जो ऐलान है वो हो चुका है। अगर आप भी सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि 12 मई से लेकर 10 जून तक आपकी भर्ती रैली चलने वाली है। यह दोस्तों आपके यूपी के 13 जिलों की आपकी सेना की भर्ती होने वाली है। अगर आप भी इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप भी इस भर्ती की तैयारी में जुट जाए, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम बचा है। 12 मई से आपकी सेना की भर्ती रैली होने वाली है। बस आज की वीडियो में इतना ही है। आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।